प्रदेश के खबरों में उत्तर प्रदेश की खबरों के बाद रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। अपने 2 दिवसीय प्रवासी दौरे के दौरान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जिला चिकित्सालय एवं दतिया मेडिकल कॉलेज को लेकर चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित घोषणा की है। मंच से संबोधित करते हुए मंत्री मिश्रा ने कहा, आने वाले 15 दिनों में 500 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन का निर्माण दतिया में ही लगने वाले प्लांट से होगा। साथ ही कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, ट्वीट करने वालों का काम सिर्फ ट्वीट करना है, ना कि लोगों की जनसेवा करना। जब उपदेश का समय जो लोग राजनीति करने में लगे हुए हैं। इस दौरान दतिया के कलेक्टर संजय कुमार, मेडिकल कॉलेज डीन राजेश गौर, अन्य बीजेपी पदाधिकारी उपस्थित रहे। तो मीठा कर देता, स्वर्ग तक सीढ़ी बना देता, मैं होता तो जब थे तब क्या किया ये कभी नहीं बताया उन्होंने, होते तो ये कर देते, जब थे तो चलती हुई बैंकें बंद कर दी, डिफॉल्टर कर दी, अब कह रहे हैं इंजेक्शन की बैंक बना देंगे या ऑक्सीजन की बैंक बना देंगे। कहना बहुत सरल होता है, ट्वीट करना बहुत सरल होता है, तो ट्वीट करने वालों आप मदद नहीं कर सकते हो तो मत करो, कम से कम जो काम कर रहे हैं उनके काम में व्यवधान मत बनो। ये ऐसी आपदा विपत्ति कभी कभी आती है, थोड़ा धैर्य रखो। जब राजनीति का समय आए तब राजनीति कर लेना, जब राजनीति का समय आया था तब उपदेश दे रहे थे, आज उपदेश का समय आया है तो राजनीति कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है। इसके लिए मैं एसपी साहब, कलेक्टर साहब को बहुत बधाई देता हूँ कि वो बढ़िया काम कर रहे हैं और इस दुविधा की घड़ी में हम सब पूरी दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, यही प्रार्थना, धन्यवाद। दतिया से बीसीएन न्यूज के लिए लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार, बीसी न्यूज की प्रदेश के खबरों में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूं। डालते एक नजर आज के प्रदेश के खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है। इस चुनाव के दौरान सरकार द्वारा कोविड-19 का पालन कर मतदाताओं को मत का प्रयोग करने की अनुमति दी गई है, परंतु इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ में चुनाव आयोग की मंशा के अनुरूप आज जिला पंचायत एवं ग्राम प्रधानी एवं ग्राम पंचायत सदस्य के मतदान जारी है। इस मतदान के लिए शासन ने महामारी के बढ़ते प्रकोप रोकने के उद्देश्य से मतदाताओं के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी की गाइडलाइन को पालन कराए जाने के आदेश पारित किए गए थे, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा पूर्ण रूप से पालन किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए थे। परंतु आज चुनाव के दौरान जहां मतदान शांतिपूर्वक होता नजर आया तो वहीं मास्क का प्रयोग करते हुए जनता तो नजर आई, परंतु जनता ने सरकार में जिलाधिकारी के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के आदेश को दरकिनार कर रख दिया है। हालांकि इस दौरान पुलिस प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी काफी जद्दोजहद कर सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था में जुटे आवश्यक दिखाई दिए। जी, आप इस समय जो है दौरे पर हैं और हमारे इस समय कोविड महामारी बराबर पैर फैला रही है और अधिकारी भी बराबर जो है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जनता को आगाह कर रहे हैं, आप भी देख रहे हो, क्या कहना चाहेंगे ऐसे में जनता के लिए? निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंसिंग के जो गाइडलाइन है उसका पालन करें और सभी लोगों को पालन करना चाहिए। जिस तरीके से भारत में फैली हुई बीमारी जो अपने आप में बहुत भयावह है, जैसे चुनाव के दौरान मतदाता बिल्कुल डिस्टेंसिंग में दिखाई नहीं दे रहे, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे प्रशासन की कार्रवाई के बाद? सब लोग प्रयास कर रहे हैं, जितना है जीत दिक्कत है, अगर इस तरह से हो गया होता तो भारत में क्यों इस तरीके से बीमारी फैल रही है। हमारे बहुत सारे विधायक भी, अधिकारी, प्रशासन भी बहुत इसमें चपेट में आ चुके हैं। हाँ जी, आ चुके हैं, लेकिन हम लोगों का दायित्व बनता, धर्म बनता है, क्या चुनाव है तो उसको देखें कहाँ व्यवस्था है, करना चाहिए। बीसीएन न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के एक बार बढ़ते देख फिर से लॉकडाउन शुक्रवार की रात से मंगलवार सुबह तक के लिए घोषित कर दिया गया। जनपद हापुड़ में जहां दुकानें पूरी तरह बंद दिखाई दी तो वहीं रोजाना मजदूरी कर अपने परिवार को लालन पालन करने वाले लोग सड़कों पर जरूर दिखाई दिए। वहीं नगर पालिका परिषद की गाड़ियां भी कोरोना संक्रमण महामारी से जनपद को निजात दिलाने के लिए क्षेत्र को सैनिटाइज करती नजर आई। हमारे संवाददाता द्वारा अतरपुरा चौपले पर एक ही स्थान पर भारी संख्या में एकत्रित दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों को देखा गया। उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा लॉकडाउन तो लगा दिया गया, परंतु उनके खाने की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई है, जिस कारण इस कोरोना जैसे खतरे में उनको सड़कों पर पेट के लिए आना मजबूरी है। घर परिवार में बच्चे अगर वह शाम को कमा कर नहीं ले गए तो भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। बीसीएन न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट।
डॉक्टर गौतम तंवर ने बताया कि आज महामारी का रूप ले रहा कोरोना वायरस, हम सबको सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए। स्वयं की भी जिम्मेदारी बनती है कि कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों में जागरूक किया जाए। दो गज की दूरी, मास्क जरूरी, बेवजह अपने घर से ना निकले और इस बार से हम सबको मिलकर लड़ना जरूरी है। कोरोना के खिलाफ सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती, जनता को भी समझना होगा। हम है तो देश है। डॉक्टर गौतम ने बताया कि मौसम के बदलते हुए इस समय वायरल फीवर ज्यादा है। हमें कुछ भी सर्दी, जुकाम, बुखार जैसे लक्षण लगे तो हमें तुरंत ही COVID-19 टेस्ट करना जरूरी है। वायरल फीवर से बचने के लिए निम्न 5 रामबाण घरेलू नुस्खे अपनाने चाहिए, जैसे हल्दी, सौंठ पाउडर, सौंठ, नीम के पत्ते, काली मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, इन सब को मिलाकर गर्म पानी के साथ ले। तुलसी, जिसमें एंटीबायोटिक गुण होते हैं, शरीर के वायरस को खत्म करता है। धनिया की चाय, धनिया में कई औषधि गुण होते हैं, इसकी चाय बनाकर पीने से वायरस में जल्दी आराम मिलता है। एक कप मेथी के दानों को रात भर भिगोकर सुबह इसे छानकर पीना चाहिए। नींबू और शहद का रस भी वायरल फीवर के असर को कम करता है, इसे सेवन करते रहना चाहिए। BCN न्यूज के लिए दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। तो आज के प्रदेश के खबरों में वक्त चला यही रुकने का। ताज़ा खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए BCN न्यूज़। नमस्कार।